वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे जो हम हिंदी मीडियम के फिजिक्स के लिए जो आपको सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें विद्युत का विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो आपने पहले के सभी वीडियो में देखा है विद्युत क्षेत्र का कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, अक्षीय स्थिति पढ़ा, निरक्षीय स्थिति पढ़ा, ये इसका तीसरा वॉल्यूम है। और इस तीसरे वॉल्यूम में मैं आपको इसके लास्ट टॉपिक जो बल आघूर्ण पर आधारित है आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें आज हम पढ़ेंगे आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। विद्युत ध्रुव क्या है आपको बताया जा चुका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है आपको बताया जा चुका है। ये क्या है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि मान लो यह एक एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव मतलब ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ए बी पॉइंट पर रखे हुए हैं, और ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ में मान लो थीटा कोण बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और बल बराबर हो जाएगा आवेश गुणित तीव्रता। इसी तरह से यहाँ पर भी बल लगेगा और दोनों बल मिल के यहाँ पर बल युग्म का निर्माण करेंगे। और जब भी किसी पार्टी किसी भी बॉडी पर बल युग्म का निर्माण होता है तो वहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2L है। इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसको पीछे बढ़ाए और इस पर हमने एक लंब डाल दिया और इस बिंदु का को पॉइंट किया पी। ये थीटा कोण है तो ये भी एकांतर कोण है, थीटा होगा। इस प्रकार यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा ए बी पी। अब यहाँ पर हम बल आघूर्ण की गणना करेंगे। छोटा सा कैलकुलेशन है तो बल आघूर्ण जिसको हम टार्क कहते हैं, टा इसको टा से प्रदर्शित करते हैं। और बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, दोनों में से कोई एक बल दैट मीन्स यहाँ पर बल क्या है एफ और गुणित इनके बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल एक ये है, एक बल ये है और दोनों बल इस प्रकार से लंबवत दूरी इनके बीच क्या है ए पी है, या इसको मैं सी नाम ले दिया, मान लो ए सी है। तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है ए सी, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा ए सी। बट यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में यदि हम साइन थीटा निकालें, देखिए इस त्रिभुज में यदि हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है अपने पास ए सी है और कर्ण क्या है 2L, तो हो जाएगा लंब मतलब ए सी और बटे 2L। देयरफॉर यहाँ से ए सी का मान निकालें तो 2L को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। इस तरह से ए सी का मान यहाँ पर हम रख दें तो टा बराबर हो जाएगा एफ इंटू 2L साइन थीटा। यहाँ F के भी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं यहाँ से क्या Q इंटू ई दैट इम्प्लाइज इसको हम इस तरह सेपरेट कर दें Q को और 2L को एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा 2QL इंटू ई इंटू साइन थीटा दैट इम्प्लाइज टाइ इक्वल 2QL क्या होता है P, द्विध्रुवी आघूर्ण होता है P
इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये होता है बल आघूर्ण। ये हमने जो फार्मूला निकाला वो है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान। क्लियर। अब इसके हम कुछ कंडीशन पर डिस्कस करें जो प्रायः न्यूमेरिकल्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा, इसके स्पेशल कंडीशन। तो इसका पहला कंडीशन क्या हो सकता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा शून्य अंश के बराबर हो। इस चित्र में देखिए, ये जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाए, मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो जाए। तो यदि जो विद्युत द्विध्रुव है वह क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, उस कंडीशन में यदि हम इसके बल आघूर्ण की गणना करें तो टाव इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ई इंटू साइन जीरो, दैट इक्वल साइन जीरो जीरो होता है तो पूरा जीरो हो जाएगा, और टा यहाँ पर होता है मिनिमम, ये टा का न्यूनतम मान होता है। इस प्रकार यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि जो हमारे विद्युत द्विध्रुव है वह विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, उसके समानांतर हो, तो उस समय जो बल आघूर्ण का मान होता है न्यूनतम होता है और वह शून्य के बराबर होता है। क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन इज, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो क्या होगा। देखिए टा का वैल्यू यहाँ चित्र में देखिए, ये यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है, यदि ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब इसका जो कंडीशन है वह इस तरह से हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके लंबवत हो जाएगा तीव्रता के, उस कंडीशन में आघूर्ण कितना निकलेगा, टा इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, एक होता है, और वह साइन का सबसे बड़ा वैल्यू होता है। तो उस कंडीशन में हम टा को क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं, और टा मैक्सिमम इक्वल टू आएगा पी इंटू ई। इस तरह से हमको क्या पता चलता है कि बल आघूर्ण के जो मान है वो समानांतर कंडीशन में न्यूनतम होता है जो कि शून्य होता है, और लंबवत की स्थिति में मैक्सिमम होता है जो कि पी इंटू ई के बराबर होता है। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब इससे जो कोरिलेटेड टॉपिक्स है, इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वह है कार्य की गणना करना, मतलब विद्युत द्विध्रुव पर कार्य, ठीक है, जो इससे कंप्लीट जुड़ा हुआ है, इसी तरह का टॉपिक है, ये रिलेटेड टॉपिक है। फिगर सेम होगा, यही फिगर होगा, और अब हम इस पर निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, वर्क डन। तो सिचुएशन सेम टू सेम है, इस कंडीशन में यह लटका हुआ है, लेकिन अब हमको क्या करना है, मान लो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मींस संतुलन की स्थिति में है, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव, मतलब दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में है, और इसको संतुलन की स्थिति से हम कुछ विस्थापित करना चाहते हैं, तो उसको विस्थापित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे डी थीटा। डी थीटा मतलब क्या होता है, छोटा कोण। डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, इसको हम डी डब्ल्यू कह देते हैं, छोटा कार्य को स्मॉल पार्ट डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण है, और विस्थापन है क्या, डी थीटा। यहाँ पर डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरह से घूर्णन गति कराना चाहते हैं, वृत्ति गति में उसको घुमाना चाहते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा टा इंटू डी थीटा, दैट इक्वल टा का वैल्यू अभी हम निकालें, उसको पुट कर दें, तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसको डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। इसलिए थीटा कोण घुमाने में किया गया, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य को हम W मान लेते हैं, और W बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन। समाकलन मतलब होता है योग, योग। इस तरह से ये जो छोटा छोटा वर्क है उसको समाकलन कर दिया जाए तो कुल किया गया कार्य निकल जाएगा, और हम उसको प्रारंभिक स्थिति से घुमाएंगे तो इसका जो निम्न सीमा है, लोअर लिमिट, वो जीरो हो जाएगा, और अपर लिमिट हो जाएगा थीटा, क्योंकि हम उसको कितना कोण से घुमा रहे हैं, थीटा कोण से घुमा रहे हैं। क्लियर। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो W इक्वल टू
जीरो टू थीटा। अब डी डब्ल्यू के मान को यहाँ से ला के रख देते हैं तो उसका मान क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये W बराबर पी को बाहर कर दें तो हो जाएगा पी ई समाकलन होगा किसका, साइन थीटा का, जीरो से कहाँ तक, थीटा तक। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू पी इंटू ई। अब साइन थीटा का समाकलन, तो साइन थीटा का समाकलन हम जानते हैं कैलकुलस से क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा जीरो से थीटा तक। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू पी ई, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस लोअर लिमिट कितना है कॉस जीरो। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस वन। दैट इम्प्लाइज, क्योंकि कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो W इक्वल टू पी इंटू ई, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस थीटा। ये है विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इस तरह से यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लो हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव हो तो उसको थीटा कोण घुमाने में हमको इतना कार्य करना पड़ता है। क्लियर। अब इसी के साथ सेम टॉपिक है, वो है विद्युत द्विध्रुव पर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये मैं इसी टॉपिक में आपको उसको पढ़ा देता हूं, पर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए सेम टॉपिक पर, इसीलिए मैं इसको मिटाया नहीं, इरेज नहीं किया, इसी पर हम उसको पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि ऊर्जा हमेशा किए गए कार्य के बराबर होता है, कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में जो हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वही कहलाता है क्या, विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमको विद्युत द्विध्रुव को घुमाना पड़ता है पाई बाई टी टू से थीटा कोण, ये इसका कंडीशन है। हमको उसको घुमाना पड़ेगा 90 अंश से थीटा तक, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा बस। ये जो लिमिट आप देख रहे हैं, ये लोअर लिमिट जो है इसका, वो हो जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पर भी हो जाएगा पाई बाई टू, इसीलिए मैं आपको मिटाया नहीं, सिर्फ इसमें लिमिट चेंज होगा। क्लियर। और यहाँ पर भी हो जाएगा ये पाई बाई टू, ये भी हो जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये पाई बाई टू। और आपको पता है कास पाई बाई टू मतलब 90 अंश, और 90 अंश कितना होता है जीरो, तो जीरो हो गया। इस तरह से इसको हम फाइनली सॉल्व करें तो ये तो माइनस ही रहेगा और अंदर बचेगा, ये मैं लिख देता हूँ इसको। अब ये जो किया गया कार्य है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस पी ई कास थीटा। कंपेरेटिवली मैं आपको इसलिए इसको बताया ताकि आपको जब कार्य की गणना आप कर लेंगे तो स्थितिज ऊर्जा की गणना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, लोअर लिमिट को चेंज करना है, निम्न सीमा को, जो जीरो है उसके जगह क्या लिखना है पाई बाई टू। तो ये हमारा गणना हो जाएगा किसका, विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो तीन टॉपिक मैं आपको पढ़ाया वो तीनों को रिलेटेड हैं। पहला क्या पढ़ाया, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, उस पर बल आघूर्ण कितना होता है टा। दूसरा हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण यदि हम घुमाएं, उसके प्रारंभिक स्थिति से यदि हम उसको थीटा कोण घुमा दें इस तरह से, तो उसमें हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, और नेक्स्ट इज क्या है, जब हम उसको घुमाएंगे तो कितना ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके कवर होंगे इस चैप्टर के, और इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो लास्ट कंटेंट है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ वो है परावैद्युतांक क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, परावैद्युतांक। क्लियर।
परावैद्युतांक, एक टेक्निकल वर्ड देखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जनरली कैसे, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो देखिए, हमको कूलाम के नियम से पता है कि एफ, सबसे पहले हमारे आवेश यदि वायु या निर्वात में रखे गए हैं, सपोज दो आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल एफ वन इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 r2। लेकिन सपोज हम उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रख दें, माध्यम में मान लो हम उसको अल्कोहल में डुबा दिए या किसी भी दूसरे माध्यम में हम उसको डुबा दिए, तब उनके बीच लगने वाला बल मान लो क्या है, F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 r2। और यहाँ पर हम एक नियतांक का गुणा करेंगे के, यही जो के है वह उस माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। क्लियर, यहाँ पर जो हमने के लिखा हुआ है इसको हम इस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको मैंने रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको रिलेशन नंबर सेकेंड मान लिया। अब हम रिलेशन फर्स्ट में रिलेशन सेकेंड को भाग देते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या मिलेगा अपने को, F1/F2 इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएंगे और K ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा K। तो ये परावैद्युतांक का फार्मूला है और यही से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, F1 क्या है, दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल, और F2 क्या है, उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाला बल, और दोनों का अनुपात क्या कहला रहा है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहला रहा है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा इसका, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो परावैद्युतांक एक नियतांक है जो वायु अनिर्वात में उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात के सदैव बराबर होता है। इस प्रकार से हर माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो स्थिर विद्युत का पहला पार्ट है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको मैंने तीन वॉल्यूम में आपको प्रोवाइड कराया है, आप जब एक के बाद एक तीनों वीडियो को देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पर उसका गणना, और तीसरे पार्ट में कुछ इसके बचे हुए जो पार्ट थे, बल आघूर्ण कार्य स्थिति ऊर्जा और परावैद्युतांक की परिभाषा हमने देखा। क्लियर, तो ये आप लगातार तीनों वीडियो देखेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू।